हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कैंटिलीवर स्लैब को डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो कैंटिलीवर स्लैब जिसका एक एंड होता है आपका फ्री और एक एंड होता है आपका फिक्स, इसको हम छज्जा भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप की स्लैब को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो कुछ चीज़ें आईएएस को रिकमेंड करता है कि वन वे कैंटिलीवर स्लैब और छज्जा इज डिज़ाइन एज कैंटिलीवर बीम ऑफ 1 मीटर विड्थ। आपको तो पता ही होगा, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि वन वे स्लैब में हम 1 मीटर की विड्थ का स्पैन को डिज़ाइन करते हैं। द पॉइंट टू बी कैंटिलीवर कंसिडर इज डिज़ाइन वन वे कैंटिलीवर स्लैब द फॉलोइंग। कुछ पॉइंट्स है जो आईएएस को रिकमेंड करता है, वो क्या है, इफेक्टिव स्पैन ऑफ कैंटिलीवर स्लैब शुड बी टेकन एज इट लेंथ ऑफ अप टू दिस फेस ऑफ द सपोर्ट प्लस हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। यानी कि जो आप इसकी जो आपको अगर कैंटिलीवर स्लैब की आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है, तो वो ये होगी, एक तो सपोर्ट के फेस से ये डिस्टेंस है एल प्लस जो इसकी इफेक्टिव डेप्थ है उसका हाफ। ठीक है, इस तरह से हम इफेक्टिव स्पैन में निकालेंगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इफेक्टिव डेप्थ एट फिक्स एंड इज मैक्सिमम एंड इज एज्यूम टू बी अबाउट स्पैन बाय 10 और स्पैन बाय 12। जो आपका कैंटिलीवर स्लैब होती है उसकी हम डेप्थ इस तरह से भी ले सकते हैं ट्रेपेजॉइडल, यानी कि ये कह रहा है कि जो फिक्स सपोर्ट है वहां पर डेप्थ मैक्सिमम होगी, उसके बाद रिड्यूस हो सकती है, और डेप्थ क्या होगी स्पैन बाय 10 और स्पैन बाय 12 के रेशो से निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आप डेप्थ रिड्यूस कर रहे हो कैंटिलीवर स्लैब में, जो फिक्स एंड है वहां पर जो डेप्थ होगी वो उसकी रेंज 1/2 और 1/3 किसका, फिक्स एंड पे जो सपोर्ट है उसका हम ले सकते हैं मिनिमम। मेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट द टॉप एंड इट्स टू बी कर्टेल एट द एप्रोप्रिएट पॉइंट। होता क्या है कि आपका अगर आप देखेंगे कैंटिलीवर बीम या स्लैब किसी में भी, जो डिफ्लेक्शन होता है वो इस तरह से होगा। अगर इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा तो आपका स्ट्रेसेस जो टेंसाइल स्ट्रेस होंगी वो टॉप पे होंगी, तो मेन रिइंफोर्समेंट कहाँ डालेगा, टॉप पे। लेकिन बीम के केस में क्या होता था, अगर सिंपल सपोर्टेड के केस में अगर कोई स्लैब सिंपल सपोर्टेड है या कोई बीम है, उसके केस में लोड की वजह से इस तरह से डिफ्लेक्शन होता था, यानी कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी वो टॉप पे होगी और बॉटम पे क्या होगी, टेंसाइल। इसीलिए मेन रिइंफोर्समेंट बॉटम पे डलता था, लेकिन कैंटिलीवर केस में टॉप पे डलेगा। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। डिजाइन ए कैंटिलीवर स्लैब फॉर ओवरहैंग 1.2 मीटर लेंथ है, उसकी लाइव लोड दिया हुआ है 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और उसका वेट दिया हुआ है फिनिशिंग का 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, M20 कंक्रीट और Fe415 स्टील। ठीक है, लेंथ है आपकी 1.2 मीटर, यहां तक कोई डाउट नहीं। लाइव लोड कितना हो गया, एक तो उसके ऊपर लग रहा है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फिनिशिंग जो है वो भी लाइव लोड में एज्यूम होगी 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल हो गया 1800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। FCK कंक्रीट का ग्रेड, FY स्टील का ग्रेड, ओवरऑल डेप्थ, अब यहां पे देखो समझने वाली चीज है, ओवरऑल डेप्थ जो है हमने एज्यूम की है उसी रेशियो से जो अभी तीन पॉइंट थे, तो उसमें से L/10 ले लिया हमने, जिससे हमारा इफेक्टिव डेप्थ आई 125 mm, उसमें क्लियर कवर 25 mm ऐड कर दो तो टोटल कैपिटल डी हो गया हमारा 150 mm, क्लियर कवर 25 माइनस कर दो तो डी आ गया 125 mm। ठीक है, इसी पॉइंट में जो ऊपर मैंने बताया उसी में से एक पॉइंट कहता है कि इफेक्टिव स्पैन जो होगा कैंटिलीवर स्लैब का वो L/D/2 होगा, तो ये 1.26 हमारा आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, गिवन डाटा है प्लस हमने डेप्थ एज्यूम किया और कुछ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें निकालना है सेल्फ वेट। देखो इसमें जब भी हम लोड निकालेंगे तो UDL की फॉर्म में, किलो न्यूटन न्यूटन पर मीटर की फॉर्म में निकालेंगे, तो ओवरऑल डेप्थ जो है स्लैब की 150 mm, डेंसिटी है 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब और 1 मीटर स्पैन की लेंथ हम लेंगे विड्थ 1 मीटर, तो ये इतना आ जाएगा 3.750 किलो न्यूटन पर मीटर। इस तरह लाइव लोड ये गिवन था, ऊपर हमने निकाला था, अर्थात टोटल लोड हो गया इतना। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी में ट्राई करके डिजाइन लोड हमने ये निकाल लिया। ठीक है, सेल्फ वेट हमने कैलकुलेट किया, लाइव लोड गिवन था, टोटल लोड में फिर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई किया तो डिजाइन लोड आ गया। अब इसी डिजाइन लोड से हमने निकाला है फैक्टर मूवमेंट और फैक्टर शियर फोर्स।
अच्छा है, फैक्टर मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है? अगर कैंटिलीवर की हम बात करते हैं तो कैंटिलीवर में अगर मूवमेंट हमें यहाँ पे निकालनी है फिक्स पॉइंट पे, तो जो यूडीएल लग रहा है मल्टीप्लाई बाय एल, ये हो गया टोटल लोड मल्टीप्लाई बाय एल बाय टू, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू यहाँ पे मूवमेंट होगी और डब्ल्यू एल होगा शियर फोर्स यहाँ पे, ठीक है? तो ये निकल गया है हमारा। अच्छा मिनिमम डेप्थ कैसे निकालते हैं, सबको पता है हमें, एक्स यू लिमिटेड बाय डी रेशियो टेबल से देख लेंगे, क्यू की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम, ठीक है, मोमेंट कोफिशियंट है क्यू। फिर उसके बाद हम डी रिक्वायर निकाल लेते हैं एम यू बाय क्यू बी अंडर रूट, इससे हमारी इफ डेप्थ जो रिक्वायर है वो 49 mm निकली है और जो हमने एज्यूम किया इफेक्टिव डेप्थ 125 mm, यानी कि ओके है, लेकिन हमारा सेक्शन कैसा है, अंडर इन्फोर्समेंट। अगर किसी को ये नहीं पता है कि अंडर इन्फोर्समेंट कैसे है, तो आप याद कीजिए जब हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जब ऊपर की ओर जाता है तो वो ओवर होता है और नीचे की ओर जाता है तो अंडर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डेप्थ रिक्वायर से ज़्यादा ली है, ठीक है, रिक्वायर 49 तो उससे ज़्यादा ली है, तो डेप्थ हमारी जो है वो ज़्यादा है न्यूट्रल क्रिटिकल एक्सिस से, तो ये कैसा होगा, अंडर इन्फोर्समेंट, ठीक है। इसी तरह से एम यू के इक्वेशन से हमने ए एस टी निकाल लिया, एम यू गिवन है ऊपर निकाला है, एफ वाई 415, ए एस टी निकालना है, डी 125 है, एफ वाई 415, बी और डी और एफ सी के सारी चीज नॉन है, तो इसी तरह से हम ए एस टी निकाल लेंगे 148 mm square। अब हम निकालेंगे मिनिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्लैब के केस में 0.12% मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, तो 0.12% जब हमने निकाला इसका तो आ रहा है 180 mm square, लेकिन हम प्रोवाइड कितना कर रहे थे 148, यानी कि 180 से कम है, तो यानी कि हमें 148 की जगह पर 180 ही प्रोवाइड करना होगा। भले ही आपका कम स्टील में स्ट्रक्चर सेफ हो रहा है, लेकिन आई एस कोड जो मिनिमम बता रहा है हमें वो प्रोवाइड ही करना है, ठीक है, तो इसलिए हम 180 mm square प्रोवाइड करेंगे। 8 mm का डाया एज्यूम किया तो एक बार का एरिया इतना आ गया, फिर स्पेसिंग निकाल ली हमने तो स्पेसिंग 279, जिसको राउंड ऑफ करके 270 हमने एज्यूम कर ली, ठीक है। अब मैक्सिमम लिमिट जो है स्पेसिंग की 3D और 300 में से है, तो इनसे हमारी स्पेसिंग कमी है, कमी होनी चाहिए, तो 270 है जबकि 375 और 300 मैक्सिमम है, तो हमारी ये ठीक है स्पेसिंग। तो हम 8 mm का डाया 270 की स्पेसिंग पे सेंटोसेटेन मेन स्टील प्रोवाइड कर देंगे। अब शियर के लिए चेक करेंगे तो शियर हमने फैक्टर निकाल लिया था, ए एस टी हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है, ए एस टी हमने पहले निकाला था तो 180 प्रोवाइड कर रहे थे, पर हम जब 270 की स्पेसिंग हम लेंगे तो टोटल जो फाइनल होगा, फाइनल ये है हमारा प्रोवाइड, तो फाइनल से जो एरिया ऑफ स्टील निकलेगा वो 186 निकलेगा। नॉमिनल शियर हम टाउ बी डी टाउ वी वी अपॉन बी डी से 0.08 निकल गया है। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी, जो हम परसेंटेज ऑफ कंक्रीट के गेट ग्रेड को देख के हम टेबल से निकालते हैं, टाउ सी की वैल्यू ये हो गई, लेकिन लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आपका टाउ सी होता है स्लैब के केस में, उस टाउ सी को एक के फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई करना होता है, वो भी आपको वहीं पर आइस कोड में टेबल में मिल जाएगा, ठीक है। डेप्थ के ऊपर डिपेंड होते के की वैल्यू, वो निकाल के हमने टाउ सी में मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल टाउ सी 0.36, टाउ वी से ज़्यादा है तो हमारा शेयर में भी ओके है। डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है, इक्वेशन आपको सभी को पता है, 376 निकल के आई है हमारी और हमने 400 एज्यूम कर लिया। इसमें टाउ बी डी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, आई एस कोड में क्लोज नंबर 26.2.1.1 में आपको ये दिया हुआ है। लास्ट लेक्चर में अगर आप देखोगे तभी चीजें आगे समझ में आएगी, क्योंकि चेक फॉर डिफ्लेक्शन वो हर चीज में हर लेक्चर में नहीं समझाऊंगा। चेक फॉर डिफ्लेक्शन में मैंने बताया था कि एल बाई डी रेशियो कोड ने फिक्स किया हुआ है, लेकिन उस रेशियो में हम कुछ मल्टीप्लाई भी करते हैं किसी फैक्टर का, वो फैक्टर निकालने के लिए पी टी परसेंटेज ऑफ स्टील और एफ एस स्ट्रेस इन टेंसाइल स्टील एट अंडर सर्विस लोड, ये दोनों चीज पता होनी चाहिए, तभी आप के फैक्टर निकाल पाएंगे और उस रेशियो पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि एल बाय डी रेशियो होना चाहिए कैंटिलीवर के लिए 7, पर के की वैल्यू निकल के 2 आई है, तो टोटल रेशियो कितना होना चाहिए 14, और जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एल 1.26 और डी 125 mm, 1.25 और 125 से रेशियो आ रहा है 10, तो ये हमारा पास हो रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन में भी पास है, तो के जरूर निकालना है आपको, ठीक है। के एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, उस ग्राफ से आपको के की वैल्यू निकल जाएगी, पेज नंबर
नहीं पता है, क्लॉज 26.2.2 आईएस कोड से आप निकाल सकते हो। इस तरह से इसमें थोड़े सा गड़बड़ हो गई है, इस तरह से ये कैंटिलीवर का डायग्राम भी आपको बनाना है। जो भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हो, कभी भी बीम हो, स्लैब हो, कॉलम हो, उसकी ड्राइंग जरूर बनानी है आपको। तो ये कैंटिलीवर आपका है, स्लैब रिइंफोर्समेंट आप कैसे दिखाओगे, ये हो गई आपकी 400 डेवलपमेंट लेंथ 400 mm, और ये हो गया आपको 8 mm का डाया जो आपका 270 की स्पेसिंग पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और ये आपका हो गया कैपिटल डी, और ये सपोर्ट एज्यूम कर लिए 300 mm, गिवन नहीं है न्यूमेरिकल में, जो चीज़ नहीं है गिवन वो एज्यूम कर लेंगे अगर जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप कोई भी स्लैब, बीम, कॉलम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं आरसीसी में, तो लास्ट में उसकी डिटेल ड्राइंग भी बनानी है आपको, ठीक है। और आईएस कोड को ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीज़ें आईएस कोड से हमने ली हैं, तो चेक करते जाना, आईएस कोड का पेज नंबर याद रखना है आपको, इक्वेशन से याद रखनी है। आपको लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो वन वे स्लैब है वो रेक्टेंगुलर बीम की तरह ही डिज़ाइन होती है, सारी इक्वेशन हमने वही ली हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इनका हमें ध्यान देना होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में उनके बारे में बात की है। तो अगर ये लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और असाइनमेंट जो लास्ट मेल में असाइनमेंट आया उसकी लास्ट डेट 25 मार्च है, उसके बाद कोई अलाउ नहीं होगा। मैं आपको स्कैन करके सेक्शन बी को स्कैन करके मुझे भेजना है, और सेक्शन ए को स्कैन करके वो मेल करना है उजेर सर को, ठीक है। थैंक यू।